नमस्कार, लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवत गीता का पाठ करने के सही नियम बताएंगे, ताकि आपको इसके शुभ फल प्राप्त हो सके और आपके जीवन में सुख और शांति आ सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हर धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ होता है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में गीता धार्मिक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में भगवद गीता के पाठ का बहुत महत्व माना गया है। जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं और उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वे हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी बहुत आसानी से कर लेते हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय में 700 श्लोक हैं। महाभारत ग्रंथ में 18 अध्याय हैं, जिनके 700 श्लोक हैं, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। जब रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखा तो वे विचलित हो गए और शस्त्र उठाने से मना कर दिया। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्हें उपदेश दिए, जिसे गीता का ज्ञान कहा जाता है। गीता के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए उसका पाठ नियमों के साथ करना अति आवश्यक है। तो आइए आपको बताते हैं वो नियम। वैसे तो भगवद गीता का पाठ किसी भी समय कभी भी किया जा सकता है, लेकिन इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसे सही प्रकार से पढ़ा जाना आवश्यक होता है। जैसे पूजा पाठ और जाप के लिए सुबह का समय सर्वोत्तम रहता है, उसी प्रकार से गीता को भी सुबह के समय ही पढ़ना चाहिए। गीता बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, इसे कभी भी गंदे हाथों से ना छुए। सुबह उठकर स्नान आदि करने के पश्चात गीता का पाठ करें। गीता का पाठ करने से पहले चाय, कॉफी, पानी या अन्य किसी भी चीज का सेवन ना करें तो ही बेहतर रहेगा। पाठ आरंभ करने के पहले भगवान गणेश और श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। गीता पढ़ने समय पूर्ण ध्यान लगाएं। पाठ करते समय बीच में किसी से बातचीत ना करें। गीता का पाठ करने के लिए एक ऊनी आसन लें, उसी आसन पर प्रतिदिन बैठकर पाठ करें। यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो स्वयं ही उसके रखरखाव और साफ सफाई का भी ध्यान रखें। प्रतिदिन एक निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ही गीता का पाठ करें। कम से कम जो अध्याय शुरू किया है उसे समाप्त कर ही उठें। गीता के प्रत्येक श्लोक को पढ़ने के पश्चात सही प्रकार से उसके सार को भी समझें। गीता के पाठ को वर्ण किताब तक सीमित न रखें, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गीता पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद गीता को माथे से लगाकर प्रणाम करें, उसकी इज्जत करें। भगवद गीता का पाठ करने के पश्चात गीता की आरती करें। गीता का पाठ करने के नियम को बनाए रखें और हर रोज जब आप पाठ करें तो इन सभी नियमों का पालन करें। हमें उम्मीद है ये तमाम जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह धर्म और अध्यात्म की दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल लाइव सिटीज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।